तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से आपके लिए एक बढ़िया सा जबरदस्त गूगल मैप एक्सट्रैक्टर जो टूल ला दिया हूँ आप, है ना, गूगल माय बिजनेस टूल, जो भी इस टूल को बोलिए आप, है ना, आपके लिए बहुत हम ला चुके हैं, ठीक है। और इस टूल में खासियत यह है कि आपका ब्रांडिंग भी होगा, है ना, सिंगल सेल भी आप कर सकते हैं, आप रीसेल भी आप इसको कर सकते हैं, है ना, विथ ब्रांडिंग, ठीक है। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम अपना इंट्रोडक्शन फिर से एक बार दे देते हैं। IAM छत्तीसगढ़.com हमारा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। आप इसके यहाँ पे बहुत सारे टूल्स वगैरह, है ना, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बल्क SMS सर्विस, बल्क व्हाट्सएप SMS, बल्क वॉइस कॉलिंग, मिस कॉल रीडिंग, वेबसाइट क्रिएशन में SEO, PPC, SMM, ईमेल मार्केटिंग, ORM, ग्राफिक डिज़ाइन, गूगल मैप एड कैंपेन, गूगल एड कैंपेन, यूट्यूब एड कैंपेन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बींग, लिंक्डइन, डिजिटल बिजनेस कार्ड, यूट्यूब चैनल फुल मोनेटाइजेशन, उसके बाद से ऑल लाइक फॉलो सब्सक्राइबर रियल और फेक दोनों है, वीडियो क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल पेज फर्स्ट और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप गूगल मैप में रेटिंग बढ़ाना होगा, आपका बिजनेस है, दुकान है, जो भी है, है ना, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाक से अपना वीडियो है स्टार्ट करते हैं, आपको दिखा देते हैं जो हम कौन सा टूल की बात कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, गूगल मैप ही खोल लेते हैं भैया। सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल मैप अपना खोल लेते हैं, क्योंकि डेटा यहीं से निकलेगा, ठीक है। अब मैं आपको अपने छत्तीसगढ़ के जो मेरा सिटी है वहाँ लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको। सर्च करते हैं पहले, है ना, सर्च क्या करेंगे, होटल, नहीं होटल ही करते हैं, है ना, स्कूल देखते हैं मेरा, मैंने यहाँ पढ़ाई किया है, स्कूल आता है कि नहीं आता है ना, स्कूल इन RAJLANDA, है ना, ये स्कूल ही राजनांदगांव लिखेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा कि स्कूल राजनांदगांव लिखेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ना कमेंट में बताइएगा, ठीक है, फिर मैं आप इसका जवाब दूँगा। देखिए डेटा दोनों से निकलता है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है उसका बताऊँगा आपको, ठीक है। देखिए ये आ गए, ये मेरा स्कूल दिख रहा है, सेकंड नंबर पर है JLM GATHWPH CG इंग्लिश मीडियम, यहाँ से मैंने पढ़ाई किया था, है ना, मतलब मैंने 12th ख़त्म किया था 2014 में, ठीक है, तो यहीं से पढ़ाई किया था मैंने, ठीक है। तो उसके बाद से देखिए, है ना, ये हो गया हमारा, मैं टूल की बात कर रहा था, डेटा कैसे निकलेगा। मैंने आपको इससे पहले भी एक बताया था वीडियो, है ना, गूगल बिजनेस एट्रैक्टर, है ना, उसको प्राइस कुछ था 2000 के आसपास उसका प्राइस था ना, ब्रांडिंग के साथ, और 1500 के आसपास नवंबर इसे के लिए था, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, ये उससे सस्ता है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए पहले इसका मैं ब्रांडिंग बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए फॉर मोर टूल्स, है ना, अपना आपका वेबसाइट लगा सकते हैं, है ना, वेबसाइट ही डलेगा आपका, क्योंकि IAM छत्तीसगढ़.com जो है यहाँ पे वो डल जाएगा, ठीक है, कि कोई भी आदमी है यहाँ पे देखेगा तो वो जो है कहाँ जाएगा, आपके वेबसाइट पे जाएगा। अरे मतलब अगर आप किसी को बेचेंगे तो, है ना, वो भी किसी को रीसेल करेगा तो आपका ब्रांडिंग साथ में रहेगा, ठीक है। तो वो सामने वाला बोलेगा कि अरे ये IAM छत्तीसगढ़.com क्या है, यहाँ जाके चेक करता हूँ एक बार, समझ गया। तो वहाँ पे जाएगा तो उसको टूल्स दिखेंगी, तो फिर वहाँ का वो कस्टमर बन जाएगा, आपको भूल जाएगा, इसलिए ब्रांडिंग करवाना जरूरी है, ठीक है। आप व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर देगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, ये गूगल मैप लीड एक्सट्रैक्टर की जगह आप कुछ और भी लिखवा सकते हैं, समझ रहे हैं, ये जो इमेज डाला हुआ है यहाँ पे इमेज कुछ और डाल सकता हूँ मैं आपके लिए, बेस्ट टूल फॉर एवर, ये सब ठीक है, उसको छोड़िए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल ये 20 लिखा है, ठीक है, और नीचे आइए, जितना नीचे आ सकते हैं, जितना आपके में ताकत है उतना नीचे आइए आप, ठीक है। तो मौसम क्या है, थोड़ा सा खराब चल रहा है यहाँ पे, ना अभी कितना हो गया, टोटली 60 हो गया। ये कुछ जो हमारे पुराने टूल्स हैं उनसे अच्छा क्यों है, उसके लिए है ये, है ना। ठीक है, तो शायद इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा, ठीक है, है ना। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 120 टूल आया है, उसका मात्र करना है आपको स्क्रैप नाउ डाउनलोड CSV खत्म। कोई है ना, जैसे कुछ टूल्स हमारे थे पहले वाले, उसमें सर्च हो रहा था, ठीक है। तो ये इतना इसमें नाटक नहीं है, एक बार सर्च होगा डेटा आ जाएगा, चेक करते हैं कैसा डेटा निकला इसका।
पुराने वाला टूल से अच्छा निकला है कि ठीक ठाक निकला है, कैसा निकलता है देखते हैं ना। देखिए ये पुराने वाले जो हमारे टूल्स होते हैं उनसे काफी अच्छा निकला है टूल, है ना। ये देखिए, ये देखिए, भगवान मुझे ले चल। गाने वाने तो सुनते होंगे ना, बताइए था कमेंट में कौन से गाने सुनते हैं। मैं ये फिल्में वाले ये सब गाने ना नहीं सुनता आजकल, है ना। ईमेल इसमें नहीं निकला है, ठीक है कोई बात नहीं। ईमेल नहीं निकला है क्योंकि उनका ईमेल डाला ही नहीं होगा, शो ही नहीं कर रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा ना अभी कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा चीज आपको बताऊंगा जो दूसरे जो है ना ये नहीं बताएंगे आपको। मैं नाम नहीं लूंगा, एक एक सोनी करके है ना यूट्यूब चैनल है, मैडम है ना, वो सब टूल्स आपको कितने में देती है मालूम हो, 5,000-6,000। और वो लोग आपको ऐसे ऐसे वो बात करती है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सो रूड। वो भी और उनके जो साथ वाले टीम मेंबर हैं वो भी, मैं तो ये देखा हूँ भाई, मतलब उनका बात करने का तरीका ऐसा है ना भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं, है ना, अभी मेरे 500 उधार रखे हैं वो, समझ गया समझ गए आप। तो उसके बदले क्या बोलती हैं कि आपको कुछ हम टूल दे देंगे इसके बदले, पैसा नहीं दे सकते। तो बोला ठीक है। अरे उनका भाई कोई टूल 500 का ही नहीं, 6,000-7,000, इसलिए उनसे कभी आपको लेना ही नहीं है। सीधे मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ सोनी बोल रहा हूँ, समझ जाओ, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये जैसे स्कूल है ना, देखिए स्कूल है हमारा, मैं क्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला युगांतर स्कूल है, ये बहुत महंगा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है ना, 2-3 लाख रुपए यहाँ पे लगता है आपका एक साल का, 10th, 11th, 12th में पढ़ाई करना है तो, ठीक है। देखिए दूसरा हमारा स्कूल है, उस समय लगा था 12th का 30,000-35,000 रुपये खर्चा लगा था, ठीक है। ये JLM गायत्री विद्यापीठ, देखिए ये सेकेंड नंबर पे आया है। सेकेंड नंबर पे क्यों आया है मालूम आपको, ये देखिए, देखिए रेटिंग देख रहे हैं आप, रेटिंग रेटिंग है इसका 4, ऊपर वाले का रेटिंग कितना है 4.3, कितना है रेटिंग ऊपर वाले का 4, और उसके ऊपर वाले क्या है 4.3, ठीक है। अच्छा अब ये देखेंगे नीचे वाले में 5 रेटिंग है, नीचे वाले का रेटिंग कितना है 5 रेटिंग है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि फिर ये ऊपर टॉप में क्यों नहीं गया, सोचेंगे ना, अरे भैया ये तो फिर इसका 5 रेटिंग है तो ऊपर। देखिए इसको रिव्यू कितने लोगों ने दिया है, मात्र 2 लोगों ने, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रेटिंग ऊपर जाने से भाई एक ही आदमी उसको 5 स्टार दे देगा तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, नहीं, कितने ज़्यादा लोग कितना रेटिंग कर रहे हैं उससे डिसाइड होता है, बात समझें। तो 135 लोगों ने मिल के टोटल जो रेटिंग दिया है 4.3 दिया है, और इसको जो हमारा जो स्कूल है गायत्री स्कूल है उसको 97 लोगों ने मिलकर 4 रेटिंग दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस स्कूल के पास पहुंच जाना है, इस होटल के पास पहुंच जाना है कि सर हम आपका जो स्कूल कोई भी सर्च करेगा राजनांदगांव में आपके शहर दिल्ली में उसको हम टॉप में लाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एकदम जो है टॉप में लाएंगे, है ना, ये पैसा है हम आपको गूगल रेटिंग आपको बढ़ा के दे देंगे, ये चीज़ आपको बोल सकते हैं, है ना। अरे गूगल रेटिंग आप कहाँ से बढ़ाएंगे, हमसे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, है ना, हम आपको जो है 35 रुपीज़ में, 35 में 30 रुपये में आपको एक रेटिंग बढ़ा के देंगे, उसमें बकायदा क्या जाएगा उसमें, आप उसको 50 रुपये में 40 रुपये में आराम से बोल सकते हैं, मात्र 100 रेटिंग से ना, मात्र 100 रेटिंग भी अगर आप गुणा करते हैं, अगर सामने वाले को 40 रुपये में दे रहे हैं तो 4,000 हो जाएगा क्या, है ना। मैं गाड़ी से थोड़ा पैदल हूँ, थोड़ा सा बताइएगा, 40 × 100 4,000 हो जाएगा, सीधा सीधा है, बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आपको कितने में दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा 30 रुपये में दे दूंगा, है ना, 30 रुपये 3,000 रुपये में, ठीक है, आराम से। तो आप 50 रुपये बोल के जो मतलब उसको और भी थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, याद रखिए रेटिंग ऊपर का खा सकता है जितने ज़्यादा लोग रिव्यू डालेंगे, ऐसा नहीं कि 10 लोग 5 स्टार दिए तो ऊपर फंसे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 स्टार है ना, 2 रेटिंग मिला है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए 129 है, लेकिन अब रेटिंग कम ही दी है तो कम ही रहेगा, सीधा सीधा है। देखिए मैं एक और भी बता देता हूँ, ये जो युगांतर स्कूल है ना, ये भी कम से कम 10 से 15 साल पुराना स्कूल है और बढ़िया स्कूल है, बताया ना, हमारे सिटी का सबसे टॉप का स्कूल है, हर चीज़ टॉप लेवल का है, इसलिए टॉप में है ना उसका वाजिब है। गायत्री स्कूल है, ये कम से कम 20 से 25 साल पुराना है ना, पढ़ाई अच्छी होती है ना, पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है, पढ़ाई अच्छी होती है ना। उसके बाद ये कुछ और जो स्कूल है, ये वाइगनर स्कूल घटिया स्कूल है ना, क्रिश्चियन लोग का स्कूल है, बहुत बेकार स्कूल है, पढ़ाई कुछ होता है वहाँ पे सिर्फ ना कुछ आपको सुनने का मिलेगा, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़, ये सभी सरकारी स्कूल वगैरह है, समझ गए। तो इसका हम बात कर लेते हैं, आपका प्राइसिंग वगैरह का, ये जो टूल है सबसे सस्ता टूल आपको दे रहे हैं, देखो 399 में आपको सिंगल यूज के लिए दे रहे हैं, एक साल के लिए, बढ़िया से यूज कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत आएगा हमसे अपडेट आप ले सकते हैं, फ्री में अपडेट देंगे आपको, है ना। अब अगर आप सोनी वगैरह लोग से लेंगे तो समझ रहे ना, हर चीज़ के लिए 2000-3000 चार्ज करते हैं, ठीक है। 999 के लिए अगर आप लेंगे तो हम आपको रीसेल के लिए देंगे, ठीक है, रीसेल करने के लिए। अच्छा, अब ब्रांडिंग के साथ आपको मिलेगा 1499। ब्रांडिंग में क्या करेगा आपका, ये आपका व्हाट्सअप डलेगा, आपका वेबसाइट डल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका लोगो डल जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा बात खत्म करते हैं, है ना, मात्र देख लीजिए 399 999 1499। ब्रांडिंग के साथ बेचने का फ़ायदा बता दिया भैया, क्योंकि अगर मैं आपको अगर दे रहा हूँ टूल ऐसे ही, आप भी किसी को देंगे टूल ऐसे ही, तो क्या करेगा सामने वाला, निपटा देगा, समझ रहे हैं ना, मेरे पास आएगा, आपके पास क्यों जाएगा, मेरे पास आएगा, है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं उसको इतने में ही दूंगा, है ना, आप है ना पैसा कम नहीं करूँगा, उसको इतने में ही दूंगा, है ना, ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना बढ़ा के बेच रहे हैं, सामने वाले कितना बढ़ा के बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमसे 999 में ही ले रहे हैं, है ना, 999 में ही ले रहे हैं, तो आप ही सामने वाले को 999 में ही बेचेंगे, एक को बेचेंगे, दो को बेचेंगे, तीन को बेचेंगे, भैया 1800 का फायदा हुआ ना, दो को बेचे तो ये कहने का मतलब है। अब ब्रांडिंग देखिए, अगर सामने वाले का भी ब्रांडिंग अगर आपको करवाना है ना, अगर आप सामने वाले को 1499 में बेचते हैं, अगर बोलेंगे सर हमसे ब्रांडिंग करने का, तो ब्रांडिंग करने के लिए देखिए यहाँ पर 499 यानी 500 एक्स्ट्रा मैं ले लूँगा आपसे, ठीक है, छोटा मोटा आपसे अनुदान कहिए, दान कहिए, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सामने वाले के लिए भी ब्रांडिंग कर दूंगा यहाँ से, यहीं से बैठे बैठे सामने वाले के लिए, जिसको आप अपने कस्टमर को बेचेंगे उनके लिए ब्रांडिंग जो है मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर बस इतना ही, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।